हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा इस वीडियो में सिटीजनशिप के बारे में बात करूंगा। तो बिना समय गवाएं हम देखते हैं कि ये वीडियो क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप आर कवर्ड बाय आर्टिकल 5-11 एंड आर एम्बॉडीड इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। हाउएवर, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन doesn't contains any elaborate provisions regarding citizenship। दोस्तों, संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं देती। It also does not place down a permanent law of citizenship for the country and that business was left to the Parliament of India। It only identifies the persons who became citizens of India at its commencement, that is on January 26, 1950। दोस्तों, यहां एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यह प्रोविजन जो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक में है, यह परमानेंट प्रोविजन नहीं है। मतलब आप यूं कह लीजिए कि यह तत्कालिक प्रोविजन है। तत्कालिक क्यों? क्योंकि यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, इन्हीं प्रोविजनों के द्वारा पहचान होंगी। तो दोस्तों, आप लोग इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। यह प्रोविजन जो हमारे संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक में जो दिया गया है, वो 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकों की पहचान नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, उसके बाद सिटीजनशिप का एक्विजिशन यानी नागरिकता की प्राप्ति या लॉस ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता की हानि के बारे में भाग 2 वर्णन नहीं करती। केवल 26 जनवरी 1950 को ही करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। तो दोस्तों, कौन करेगा? देखते हैं, आगे क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। इट इंपावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर दिस सच मैटर्स एंड एनी ऑफ अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। हेंस पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच हैज बीन अमेंडेड इन 1992, 2003 एंड 2005। पार्ट 2 के द्वारा संसद को इस बात का अधिकार मिलता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसलिए संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को लागू किया। ठीक है दोस्तों, यह बात क्लियर हुआ कि संविधान के लागू होने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता का अधिग्रहण या नागरिकता की हानि भाग 2 के प्रावधान से नहीं बताते। इसके लिए संविधान के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित मामलों के लिए वो अलग से कानून बनाए। तत्पश्चात संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लागू किया और इसी एक्ट के द्वारा नागरिकता संबंधित मामलों को डील किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज टू काइंड्स ऑफ पीपल, सिटीजंस एंड एलियंस। दोस्तों, आजकल सभी मॉडर्न कंट्री में लोगों को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहला वे लोग जो देश के नागरिक हैं और दूसरा वे लोग जो देश के नागरिक नहीं है। उसी तरह हमारे देश में भी दो प्रकार के लोग हैं, पहला सिटीजन और दूसरा एलियंस। यानी पहले जो देश के नागरिक हैं और दूसरे जो विदेशी हैं। यहां एलियंस से मतलब विदेशी से है, यह नहीं कि जो लोग दूसरे ग्रह से आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिटीजंस आर डिफरेंट फ्रॉम एलियंस। दोस्तों, सिटीजंस एलियंस से अलग होते हैं। अलग होते हैं से यहां मतलब है अधिकारों से। सिटीजंस को एलियंस से ज्यादा अधिकार प्राप्त है। देखते हैं पहला पॉइंट। एलियंस डू नॉट एंजॉय ऑल द राइट्स विच आर इसेंशियल फॉर फुल मेंबरशिप ऑफ ए स्टेट। पहला पॉइंट यह कहता है कि विदेशी नागरिकों को वो सभी अधिकार नहीं प्राप्त हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं, और पूरी अधिकार नहीं प्राप्त होने के कारण विदेशी नागरिक हमारे देश के पूर्ण सदस्य नहीं होते हैं। दे आर नॉट द फुल मेंबर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं। सिटीजंस एंजॉय ऑल सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, एलियंस ऑन द अदर हैंड आर द सिटीजंस ऑफ सम अदर स्टेट एंड हेंस डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स। देखिए दोस्तों, जो एलियंस हैं यानी जो विदेशी नागरिक हैं, उनको सभी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होते। जाहिर सी बात है कि जो विदेशी नागरिक हैं उनको हमारे देश में सभी अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? अब ऐसे थोड़ी ही है कि कोई चाइनीज भाई साहब आए और सिविल सर्विसेज के फॉर्म भरने लगे, नहीं ना। तो दोस्तों, हमारे संविधान के द्वारा दिया हुआ बहुत सारा सिविल और पॉलिटिकल राइट्स विदेशी नागरिकों को नहीं मिलता, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं होता। नेक्स्ट, एलियंस आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। दोस्तों, फॉरेनर्स को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला फ्रेंडली एलियंस यानी विदेशी मित्र, और दूसरा एनिमी एलियंस
यानी विदेशी शत्रु। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंडली एलियंस, दे आर सिटीजन्स ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव कॉर्डियल रिलेशंस विथ इंडिया। एनिमी एलियंस, दे आर सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्रीज दैट इज एट वॉर विथ इंडिया। दोस्तों फ्रेंडली एलियंस उन देश के लोगों को कहा गया है जिनके देश के साथ हमारे देश के फ्रेंडली रिलेशंस हैं, सकारात्मक संबंध है, और एनिमी एलियंस उन देश के लोगों को कहते हैं जिनके देश के साथ हमारे देश का युद्ध चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एनिमी एलियंस इंजॉय लेसर राइट्स देन फ्रेंडली एलियंस। एग्जाम्पल, दे डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। अगर हम अधिकारों की बात करें तो एनिमी एलियंस को फ्रेंडली एलियंस से कम अधिकार प्राप्त होते हैं। एनिमी एलियंस नजरबंदी और गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते, जबकि हमारे देश के सिटीजन्स को गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा संविधान के आर्टिकल 22 के द्वारा मिलती है। दोस्तों हम इस आर्टिकल 22 को हम बाद में देंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंजॉयज अ ब्रॉड सेट ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेयर एज एलियंस हैव नो सच राइट्स। दीज आर आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट एंड एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस। देखते दोस्तों, आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। दोस्तों जब फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ये देख लेते हैं कि कौन कौन से राइट्स केवल सिटीजंस को प्राप्त हैं। देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29, 30 और 326 ये केवल सिटीजंस को ही प्राप्त हैं, नॉन सिटीजंस को नहीं। राइट टू वोट और राइट टू कॉन्टेस्ट यानी मतदान देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये अधिकार एलियंस को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसेस यानी सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स, तो ये सब पोस्ट एक्सक्लूसिवली सिटीजंस ऑफ इंडिया के लिए ही है, एलियंस के लिए नहीं है। और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 326 इवन ओवरसीज सिटीजंस को भी नहीं प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जान लिया कि आर्टिकल 15, 16, 19, 30 और 326 और राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट एंड एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, इनके द्वारा मिलने वाले राइट्स को अवेल करने का अधिकार केवल सिटीजंस को ही है, एलियंस को नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नोट, इन इंडिया बोथ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइल इन यूएसए ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा और आगे मैं इसमें इसपे डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी देखते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके बताए गए हैं, कौन कौन से, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो दोस्तों यहां नोट में यह बताया गया है कि भारत में सिटीजन बाय बर्थ यानी जो जन्म से ही भारत का नागरिक है, या फिर नेचुरलाइज सिटीजन, ये दोनों प्रकार के सिटीजन भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन यूएसए में केवल सिटीजन बाय बर्थ ही राष्ट्रपति बन सकता है, नेचुरलाइज सिटीजन एलिजिबल नहीं होते राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इंडिया में क्या होता है और यूएसए में क्या होता है, नेचुरलाइज सिटीजन एलिजिबल नहीं होते राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि आजकल एग्जाम्स में यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस के टॉपिक पर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये याद कर लीजिएगा कि इंडिया में बोथ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजंस आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन अमेरिका में ओनली सिटीजन बाय बर्थ, और वहां नेचुरलाइज सिटीजन को राष्ट्रपति पद की एलिजिबिलिटी उन्हें नहीं मिलती। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है दोस्तों, आप आर्टिकल 5 एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं इसको समझाता हूं। दोस्तों आर्टिकल 5 ये कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ पर, स्टार्टिंग एट इट्स कमेंसमेंट, प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है यानी डोमिसाइल, और तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो वो भारत का नागरिक होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर तीन शर्त दिए गए, तो इनमें से कोई भी एक शर्त अगर वो पूरी कर देता है तो भारत का नागरिक कहलाने लगेगा। देखते हैं ये तीनों शर्त, हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या हु हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक है दोस्तों, हमने यहां क्या देखा, आर्टिकल 5 भारत के मूल निवासी की पहचान कर रहा है, और यह बता रहा है कि संविधान निर्माण के उपरांत जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो, या तीन में से कोई भी एक शर्त पूरी कर रहा हो,
तो भारत का नागरिक कहलाएगा। कौन कौन सी तीन शर्त, जो अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट देखते हैं, टू कीवर्ड्स। तो दोस्तों अब यहां पे हमें टू कीवर्ड्स मिल गए, दो कीवर्ड्स मिल गए। एवरी पर्सन डोमिसाइल देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। एवरी पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स ए प्रिजनर, ए मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस बट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 33। दोस्तों आर्टिकल 5 में जो एवरी पर्सन वर्ड आए हैं उसमें प्रिजनर्स और फौजी भाई लोगों पर भी लागू होता है। एवरी पर्सन प्रिजनर्स के लिए भी लागू होता है और फौजी भाई लोगों के लिए भी लागू होता है, लेकिन फौजी भाई लोगों के लिए आर्टिकल 33 का कंडीशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डोमिसाइल। अब दोस्तों हम डोमिसाइल समझते हैं। दिस वर्ड इज यूज्ड एट सो मेनी प्लेसेस लाइक इनकम टैक्स एक्ट व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द टैक्स रेजिडेंसी। दोस्तों डोमिसाइल वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, ये अक्सर कहीं ना कहीं आ जाता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में डोमिसाइल वर्ड है, और भी बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्या ये डोमिसाइल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ओनली वन डोमिसाइल, द डोमिसाइल ऑफ द कंट्री, एंड देयर इज नो सेपरेट डोमिसाइल फॉर स्टेट। अब दोस्तों हमारे संविधान में एक ही डोमिसाइल का प्रावधान है, डोमिसाइल ऑफ द कंट्री, और किसी भी स्टेट का अलग से डोमिसाइल का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अक्सर स्कूल और कॉलेजों के एडमिशन में, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में, ये बात सामने आती है कि जिसका उस स्टेट का डोमिसाइल है उसको एडमिशन आसानी से हो जाता है। आखिर ये क्या मामला है, देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट वाइल डिसाइडिंग द केस ऑफ किरणदीप कौर वर्सेस रीजनल पासपोर्ट ऑफिस एंड अदर्स ट्राइड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डोमिसाइल इन फॉलोइंग वर्ड्स। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने किरणदीप कौर वर्सेज रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर एंड अदर्स के केस में डोमिसाइल को एक्सप्लेन किया और कहा कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में डोमिसाइल का डिफिनेशन कुछ इस तरह दिया है। In Black's Law Dictionary, domicile has been defined as that place where a man has his true, fixed and permanent home and principal establishment and to which whenever he is absent, he has the intention of returning. किसी भी आदमी का domicile वो जगह होता है जहां उसका true, fixed और permanent घर और principal establishment होता है, और अगर वो कहीं जाता भी है तो अपने घर लौटने का पूरा मन होता है, तो ऐसे जगह को उस आदमी का domicile कहेंगे। एक और केस देखते हैं, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वर्सेस गुरमीत सिंह केस। दोस्तों चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वर्सेस गुरमीत सिंह केस में डोमिसाइल का एक मीनिंग सामने आया कि पर्सन मस्ट बी हैविंग परमानेंट होम इन चंडीगढ़, मतलब कंसर्न पर्सन का परमानेंट घर चंडीगढ़ में होना चाहिए और वो वहां सालों से रह रहा हो और उसकी मंशा वहां परमानेंट और इंडेफिनिट रहने का हो, तो ऐसे पर्सन का डोमिसाइल चंडीगढ़ होगा। ठीक है दोस्तों, इन दो केस स्टडी से डोमिसाइल का मीनिंग तो क्लियर हो गया, लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे संविधान में केवल एक डोमिसाइल की बात की गई है, डोमिसाइल ऑफ द कंट्री, एंड देयर इज नो सेपरेट डोमिसाइल फॉर द स्टेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इट हैज बीन सीन दैट इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एडमिशंस टू मेडिकल कॉलेजेस आर बेस्ड आइदर ऑन रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स और ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस। द क्वेश्चन इज वेदर सच रिजर्वेशन और प्रेफरेंसेस आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड व्हेन टेस्टेड ऑन द टच स्टोन ऑफ आर्टिकल 14। देखिए दोस्तों, आप इसको एक बार पढ़िए, मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों टेक्निकल और मेडिकल कॉलेज रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस की बात करते हैं, वे इन क्लोज को लगाकर एडमिशंस में उस स्टेट के स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा रिजर्वेशन और प्रेफरेंसेस को आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वलिटी के तहत कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहेंगे? तो दोस्तों देखिए, डोमिसाइल वर्ड को ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कहीं डिफाइन किया गया है। ठीक है, और यहां थर्ड पॉइंट, इन डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए ताकि देश के मेरिटोरियस स्टूडेंट को एडमिशन मिल सके, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट का सेपरेट डोमिसाइल नहीं होता और हमारे संविधान केवल एक डोमिसाइल की बात करता है और वो है इंडियन डोमिसाइल। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार स्टेट का अलग डोमिसाइल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहां डोमिसाइल का वर्ड क्लियर हो गया, डोमिसाइल क्या होता है। यहां हमारा आपको एग्जाम में अगर कहीं आता है लिखने के लिए तो आप केवल एक ही लिखेगा कि आवर कंट्री हैज ओनली वन डोमिसाइल, दैट इज डोमिसाइल ऑफ द कंट्री, एंड देयर इज नो सेपरेट डोमिसाइल फॉर द स्टेट। ठीक है दोस्तों, ये काफी डिस्कशन वाला पॉइंट है, इस पर काफी डिस्कशन होते रहता है बीच बीच में। आप न्यूज़पेपर वगैरह से टच में रहिए तो ये पॉइंट आपको बीच बीच में क्लियर होता रहेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इफ दिस पॉइंट। ओके, आर्टिकल 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, देखिए दोस्तों डिवीजन के बाद इंडिया पाकिस्तान बटा, तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहां पे, तो ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को माइग्रेट यानी प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा
जब वो व्यक्ति आर्टिकल 6 के क्लॉज ए की शर्त को पूरी करता है और क्लॉज बी के दो शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर वैसे व्यक्ति की नागरिकता की बात की गई है जो डिवीजन के बाद पाकिस्तान से इंडिया में आया है, तो उसको नागरिकता प्राप्त करने की दो शर्तें दी गई है, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, एंड क्लॉज बी के दो सब क्लॉज हैं, तो क्लॉज ए के शर्त को पूरी कर रहा है और क्लॉज बी के दोनों में से कोई एक शर्त को पूरी कर रहा है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्लॉज ए, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ओरिजिनली एक्टेड। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि वो या उसके माता पिता में से कोई एक या दादा दादी में से कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में परिभाषित भारत में जन्मे थे और क्लॉज बी के दोनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी करता हो तो भारत का नागरिक होगा। अब हम क्लॉज बी देखते हैं, इन द केस वेयर सच पर्सन्स हैव सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1945 19th डे ऑफ जुलाई 1948 ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवसन यानी माइग्रेशन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, ठीक है, मतलब यहां पर एक डेट का कंडीशन दिया गया है 19 जुलाई 1948, अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया है और नॉर्मली रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो देखते हैं, इन द केस वेयर सच पर्सन्स हैव सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th, और अगर 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में स्थानांतरित हुआ हो और नागरिकता प्राप्ति के लिए रजिस्ट्रित कर लिया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों हम इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब वो व्यक्ति या उसके माता या पिता में से कोई भी एक या फिर दादा या दादी में से कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइन किए हुए भारत में जन्मा हो और भारत में 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया हो तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और अगर वो 19 जुलाई 1948 के दिन या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो उसको भारत सरकार के द्वारा इस काम के लिए नियुक्त अधिकारी के द्वारा रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया तो रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, और अगर 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आता है तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के पहले ऐसे व्यक्ति को भारत में कम से कम 6 महीने तक रहना होता है, 6 मंथ तक उसको रहना होता है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल 7 का पूरा स्ट्रक्चर है, आप इसको एक बार पढ़िए मैं इसको समझाता हूं। दोस्तों विभाजन के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत में आए और बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए। अब जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उनमें से बहुत सारे लोग भारत वापस लौटने का मन बनाया और वापस लौट भी आए, तो वैसे लोगों के नागरिकता प्राप्ति की प्रावधान आर्टिकल 7 में बताया गया। देखते हैं, अब दोस्तों आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया हो यानी स्थानांतरित हो गया हो तो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, लेकिन बाद में फिर भारत में रीसेटलमेंट के लिए लौट आया तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है दोस्तों, काफी सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। दोस्तों आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके। ठीक है दोस्तों, आप एक बार आर्टिकल 8 को वीडियो पॉज करके पढ़ लें, मैं आपको यह समझा देता हूं कि यह वीडियो क्या कहता है। दोस्तों आर्टिकल 8 बताता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित यानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो तो ऐसे व्यक्ति भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भारत के नागरिक के रूप में इंडियन डिप्लोमेटिक और कौंसुलर रिप्रेजेंटेटिव के पास सिटीजनशिप के लिए आवेदन करना होगा। कौन से इंडियन डिप्लोमेटिक और कौंसुलर रिप्रेजेंटेटिव? उसी देश में जिस देश में वो रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां हमने क्या देखा कि अगर माता पिता या दादा दादी अगर अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं तो वो व्यक्ति इंडियन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 तक यह देखा कि इनमें नागरिकता प्राप्त करने की चर्चा की गई है। आर्टिकल 5 में ऐसे व्यक्ति की नागरिकता की बात की गई है जो भारत का मूल निवासी है, और आर्टिकल 6 में विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति की नागरिकता की बात की गई है, और आर्टिकल 7 ऐसे व्यक्ति की नागरिकता की बात करता है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में वापस इंडिया आ गया हो, और आर्टिकल 8 में उस व्यक्ति की बात किया गया है जो भारतीय मूल का हो और देश के बाहर किसी दूसरे देश में रह रहा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 9, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन।
दोस्तों आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, देखते हैं दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पुरोगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। दोस्तों आर्टिकल 11 यह बताता है कि पार्ट 2 का कोई भी पहले का प्रोविजन पार्लियामेंट का सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाने के पावर को कम नहीं करेगी। यानी हम यह कह सकते हैं कि आर्टिकल 11 द्वारा पार्लियामेंट को यह एक्सक्लूसिव पावर मिलता है कि वो सिटीजनशिप के एक्विजिशन या टर्मिनेशन के मामले में नियम बनाए। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। दोस्तों जैसा कि हमने पहले देखा कि पार्ट 2 के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक सिटीजनशिप पाने के जो तरीके बताए गए हैं वो केवल 26 जनवरी 1950 को ही केवल मान्य थी, और 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान ने सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन के मामले में लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया, और इसी कारण पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया। देखते हैं द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट 1955 संविधान लागू होने के बाद नागरिकता का एक्विजिशन एंड लॉस यानी अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध कराता है। दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड सो फार 4 टाइम्स बाय द फॉलोइंग एक्ट्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, 1992, 2003 एंड 2005। दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट 1955 अब तक 4 बार संशोधित हो चुके हैं, पहला 1986 में हुआ, दूसरा 92, फिर उसके बाद 2003 एंड देन 2005। ठीक है, नेक्स्ट ऑलरेडी द सिटीजनशिप एक्ट 1955 आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप बट दिस प्रोविजन वाज रिपील्ड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। दोस्तों शुरू में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के भी प्रावधान थे, लेकिन ये प्रावधान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब्स 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, दे आर बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इंक्रीमेंट ऑफ टेरिटरी। दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा 5 तरीके बताए गए हैं जिसके द्वारा सिटीजनशिप प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं By birth, by descent, by registration, by naturalization and by incorporation of territory। दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा 5 तरीके बताए गए हैं नागरिकता प्राप्त करने की, कौन कौन से, by birth, by descent, by registration, by naturalization and by incorporation of territory। ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब देखते हैं by birth, by birth ये क्या कहता है। दोस्तों इस शर्त के हिसाब से अगर कोई भारत में जन्म लेता है तो जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा कहलाएगा। अब दोस्तों इस कैटेगरी के कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे समय के साथ साथ इसमें बदलाव किए गए और माता पिता की नागरिकता को भी कंडीशंस में इंक्लूड किया गया, तो हम देखते हैं फ्रॉम 26 जनवरी 1952 बिफोर 1 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। यहां माता पिता की राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक हुआ। यहां माता पिता के राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं है, बस उसके माता पिता इंडिया में पोस्टेड फॉरेन डिप्लोमेट्स या एनिमी एलियंस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति के कंडीशन में माता पिता के राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं था, लेकिन 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद ऐसे व्यक्ति का माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तो एक कंडीशन बढ़ गया। अब आगे देखते हैं, अब यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में होता है तो ऐसे कंडीशन में उसके माता और पिता दोनों को भारतीय नागरिक होना चाहिए, या माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट यानी अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है दोस्तों, ये 3 कंडीशंस है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पे।
इस शर्त पर दोस्तों ऐसे व्यक्ति की नागरिकता प्राप्ति की बात की गई है जो भारत से बाहर जन्म लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको समझा देता हूं ये बाय डिसेंट क्या है, ये क्या कहता है। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है तो वो भारत की नागरिकता वंश के आधार पर यानी बाय डिसेंट प्राप्त कर सकता है यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों। ठीक है, तो दोस्तों यहां पिता की नागरिकता को जरूरी माना गया है, लेकिन 10 दिसंबर को या उसके बाद भारत के बाहर जन्म लेता है तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि उसके माता या पिता में से कोई भी उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के पहले तक पिता की नागरिकता की बात की गई है, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद माता या पिता में से कोई भी एक भारत के नागरिक होने से नागरिकता मिल जाएगी। अब इसके तीसरे कंडीशन को देखते हैं दोस्तों, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भारत के बाहर जन्म लेता है तो ऐसा व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर इंडियन कॉन्सुलेट में उसके जन्म का रजिस्ट्रेशन ना करा दिया गया हो, और अगर एक वर्ष का समय बीत चुका हो तो केंद्र सरकार की सहमति से रजिस्ट्रेशन ना करा दिया गया हो। मतलब रजिस्ट्रेशन एक साल के भीतर हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो फिर नागरिकता मिलने में मुश्किल होगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराते समय माता पिता को एक एप्लीकेशन में अंडरटेकिंग देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का कोई पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी व्यक्ति जो इलीगल माइग्रेंट नहीं है इंडियन सिटीजन के रूप में रजिस्टर कर सकता है अगर वो इन 7 कंडीशंस जो नीचे दिए गए हैं, इन 7 कंडीशंस में किसी भी कंडीशन से संबंध रखता है, यानी इनमें से कोई भी कंडीशन मैच कर गया तो उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। कोई भी एक कंडीशन, 7 कंडीशंस का कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एक कंडीशन। देखते हैं दोस्तों, आप एक बार वीडियो पॉज करके इन कंडीशंस को एक बार पढ़ लें, मैं इनको एक एक करके समझा देता हूं। देखते हैं पहला कंडीशन को, कंडीशन ए, अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पहले 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। ठीक है, कंडीशन बी, भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर कोई जगह पर या किसी दूसरे देश में रह रहा हो। कंडीशन सी, वो व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने से पहले भारत में 7 साल रह चुका हो। डी, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। ई, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर हो। एफ, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वो या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या वो पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से एक वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक है जी, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्ति को मूलतः भारत का निवासी माना जा सकता है यदि इसके भी 2 कंडीशंस हैं। पहला देखते हैं, वो पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो, भारत में वो 8 वर्ष पूर्व से रह रहा हो तथा इस प्रकार का आवेदन देने के ठीक पहले से कम 12 माह पूर्व से वो भारत में रह रहा हो। ठीक है दोस्तों, ये सब कंडीशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और इन सच अदर टेरिटरी व्हिच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15th अगस्त 1947। दोस्तों इंडियन ओरिजिन का मतलब बताया गया है, कहा गया है कि कोई व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वो या उसके माता पिता में से कोई अनडिवाइडेड इंडियन पैदा हुआ हो या ऐसे टेरिटरी में जो 15th अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द अबव कैटेगरीज ऑफ पर्सन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलियंस बिफोर दे आर रजिस्टर्ड एज सिटीजंस ऑफ इंडिया। ऊपर दिए सभी कैटेगरी के लोगों को इंडियन सिटीजन के रूप में रजिस्टर होने से पहले ओथ यानी निष्ठा की शपथ लेनी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन, मैं इसको समझा देता हूं। दोस्तों केंद्र सरकार एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो इलीगल माइग्रेंट ना हो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता है यदि वो 7 कंडीशंस को फुलफिल करता हो। आप इन कंडीशंस को वीडियो पॉज करके पढ़ लें, काफी इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे वेव ऑल और एनी ऑफ द अबव कंडीशंस फॉर नेचुरलाइजेशन इन द केस ऑफ अ पर्सन हु हैज रेंडर्ड डिस्टिंग्यूज सर्विस टू द साइंस फिलोसफी आर्ट लिटरेचर। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ऐसे व्यक्ति के केस में नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के सभी कंडीशंस जो हमने अभी ऊपर देखा था, जो अभी आप वीडियो पॉज करके पढ़ रहे थे, उन सभी कंडीशंस को हटा सकती है जिसकी सेवा साइंस फिलोसफी आर्ट लिटरेचर वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस में डिस्टिंग्यूज्ड यानी विशिष्ट हो। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशंस को हटा सकती है और उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। दोस्तों, अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो भारत सरकार यह स्पष्ट करेगा कि उस क्षेत्र से संबंधित लोगों में से कौन कौन से लोग भारत के नागरिक बनेंगे और ऐसे लोग एक नोटिफाइड डेट के बाद भारत के नागरिक कहलाएंगे। हम पौंडीचेरी का एग्जांपल देखते हैं कि जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने पौंडीचेरी सिटीजनशिप ऑर्डर 1962 जारी किया, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जारी हुआ था। तो दोस्तों, हमने देखा कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पांच रास्ते सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्स थ्री वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, वेदर एक्वायर्ड अंडर द एक्ट और प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए दोस्तों, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया है कि नागरिकता जो या तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा प्राप्त किया गया हो या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त किया गया हो, वो तीन कारणों से समाप्त हो जाएगी। देखते हैं वो तीन कारण। पहला, बाय रिनंसिएशन यानी स्वैच्छिक त्याग। दूसरा, बाय टर्मिनेशन यानी बर्खास्तगी के द्वारा। तीसरा, बाय डेप्रिवेशन यानी वंचित करने के द्वारा। अब देखते हैं दोस्तों, एक करके इनको समझते हैं। बाय रिनंसिएशन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक ए डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो और ये घोषणा करता है कि वो स्वेच्छा से अपने सिटीजनशिप का त्याग कर रहा है, तो उसकी घोषणा यानी डिक्लेरेशन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो भारत का नागरिक नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, ये है रिनंसिएशन। हाउएवर, इफ सच ए डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग ए वार इन विच इंडिया इज एंगेज्ड, इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी विथहेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दोस्तों, अगर इस तरह की डिक्लेरेशन तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त है, तो केंद्र सरकार इसके रजिस्ट्रेशन को एक तरफ रख सकती है। ठीक है, युद्ध के टाइम में ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इंडियन के द्वारा किसी के सिटीजनशिप को त्याग करने देगा या नहीं देगा। ठीक है, नहीं देखते हैं। फर्दर, व्हेन ए पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप, एवरी मैनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन आल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप। हाउएवर, व्हेन सच अ चाइल्ड अटेंड्स द एज ऑफ 18, ही विल रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है, तो उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चे भी भारतीय नागरिक नहीं रहते। मतलब अगर पिता ने भारतीय नागरिकता छोड़ी तो नाबालिग बच्चों की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। हाउएवर, व्हेन सच अ चाइल्ड अटेंड्स द एज ऑफ 18, देखिए, लेकिन वो नाबालिग बच्चा अपनी नागरिकता फिर से प्राप्त कर सकते हैं जब वो 18 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर ले, उस 18 वर्ष के बाद वो फिर से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बाय टर्मिनेशन, नेक्स्ट देखते हैं, बाय टर्मिनेशन, बर्खास्तगी के द्वारा। देखते हैं, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली बर्खास्त हो जाएगी। अब दोस्तों, ये कंडीशन उस समय नहीं लागू हुआ जब भारत युद्ध में व्यस्त है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय डिप्रिवेशन यानी वंचित करने द्वारा। इट इज कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ, दीज आर द कंडीशंस ए बी सी डी ई। देखते हैं कंडीशंस को दोस्तों। पहले हम ये जान लेते हैं कि सिटीजनशिप का एक्विजिशन या टर्मिनेशन का पूरा मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है, कोर्ट के द्वारा नहीं। हम देख भी रहे हैं कि एक्विजिशन या टर्मिनेशन में सभी जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज हो रहा है, कोर्ट नहीं। तो दोस्तों, आप लोग इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ए कंपल्सरी टर्मिनेशन। दोस्तों, केंद्र सरकार किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता आवश्यक रूप से बर्खास्त कर सकता है। देखते हैं दोस्तों, कंडीशंस को देख समझते हैं। द सिटीजंस हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, मींस यदि नागरिकता फर्जी तरीके यानी गलत तरीके से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, बी, द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मींस यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया, मतलब उसका अनादर किया, तो ऐसे कंडीशंस में उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनी ड्यूरिंग द वॉर, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उससे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, तो ऐसे कंडीशन में भी उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर 2 years। रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष के दौरान अगर कोई सिटीजन किसी देश में 2 वर्ष का कैद हो गया है, 2 वर्ष की सजा हो गया है, जेल हो गया है,
तो ऐसे कंडीशन में भी उसकी सिटीजनशिप जा सकती है. द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूअसली. नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो. तो ये सब कंडीशन है दोस्तों जहां बाय डिप्रिवेशन किसी भी सिटीजन का सिटीजनशिप जा सकता है. नेक्स्ट देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप. दोस्तों अब देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप. देयर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप. दोस्तों हमारे संविधान में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता की प्रावधान है, भारतीय नागरिकता. यहां राज्यों के लिए अलग से कोई नागरिकता की प्रावधान नहीं है. कुछ फेडरल कंट्री जैसे यूएसए और स्विट्जरलैंड, इनमें ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है. यानी अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है जब बल्कि उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वो रहता है. इस तरह वहां के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है. तो दोहरी नागरिकता प्राप्त होने के कारण उन्हें दोहरे अधिकार भी प्राप्त होते हैं. अब दोस्तों ऐसी व्यवस्था भेदभाव को पैदा कर सकता है. जैसे राज्य दूसरे राज्य के लोगों के प्रति भेदभाव कर सकते हैं, जैसे मतदान में, नौकरी में, निवास में, शिक्षा में. तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हमारे देश ने सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया.